नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी कन्याकुमारी में हूँ और कन्याकुमारी में हमें सबसे सस्ता होटल बीच के नज़दीक कहाँ मिल सकता है, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये सामने मंदिर का रास्ता है जो बीच के ऊपर मंदिर है, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। और ये हमारा होटल है, इस होटल तक हम कैसे पहुँच सकते हैं उसके बारे में आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं पूरी डिटेल इसके बारे में देता हूँ कि सबसे सस्ता होटल हमें कन्याकुमारी में कहाँ मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, कौन सी लोकेशन होगी, कैसा रूम होगा, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। पूरा वीडियो देखिए, आइए शुरू करते हैं। ये अभी आपकी स्क्रीन पर मैन चौक है कन्याकुमारी का, आप इस लोकेशन को देख लीजिए। इधर ये आप देखें घड़ी चौक, सामने ये स्टेचू बना हुआ है और ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब। यहाँ आप देखेंगे तो वे टू गांधी मेमोरियल हॉल का ये रास्ता सीधा बीच की तरफ जा रहा है। और ये यहाँ पर एक स्टेचू और यहाँ एक मंदिर है और ये बड़ा सा पेड़। और ये आप देखिए ये यहाँ सर्किल बना हुआ है और इधर ये यहाँ पर पूरा व्यू मैंने आपको दिखाया। और यहाँ आप देखेंगे तो ये बस स्टैंड को वे टू बस स्टैंड, ये बस स्टैंड को जो रास्ता जा रहा है इस चौक से, ये आप चौक देखिए। और यदि हम इधर की बात करें, ये जो सामने जो रास्ता है इधर से बसें आती हैं कन्याकुमारी में, और इधर जिधर ये ऑटो गया है इधर ये बसें जाती हैं। जैसे ये लिखा है वे टू बस स्टैंड, इधर बस स्टैंड है 1 किलोमीटर पे, और ये चौक है और यहाँ ये पुलिस का पोस्ट बना हुआ है। और इधर ये बीच को रास्ता जाता है, यहाँ ये रास्ता बंद है, बड़ी गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती है, पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। और ये सामने के रास्ते में हमें इधर ढलान में नीचे की तरफ हमें जाना है। आइए चलते हैं आगे और आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ। इस चौक से हम इधर चलते हैं, ये आप देखिए रास्ता इधर का, तो हमें नीचे बोट से विवेकानंद मेमोरियल जो टापू पे बना हुआ है वहाँ भी लेके जाते हैं, वो भी इधर ही है, इसी में हमें नीचे उतरना है। सामने थोड़ा ही चलना है, ये देखें जहाँ से ये गाड़ी आ रही है वहीं तक हमें चलना है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए इधर से हम चल के आए हैं, तो यहाँ जैसे ही हम पहुँचे हैं तो ये सामने देखिए ये जो गेट बना हुआ है और ये ऊपर बोर्ड लगा है, यहाँ से आपको बोट में बिठा करके और विवेकानंद मेमोरियल लेके जाया जाता है। 50 रुपये की टिकट वहाँ लगती है। और ये यहाँ देखेंगे तो ये मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है, इधर आपको मंदिर मिलता है। इस साइड में हम चलते हैं तो हमें इसी साइड में मंदिर की साइड में चलना है, लेकिन मंदिर तक नहीं जाना है, मंदिर से पहले ही हमारा होटल है। आइए इस रास्ते में आगे चलते हैं। इधर ये देखें ये पूरा रास्ता आप देख लें, इधर हमें नीचे चलना है। ये आप देखिए इधर से हम चल के आए हैं और ये तकरीबन 50 या 100 मीटर पे चलते ही हमारा होटल है यहाँ पर। और आगे मंदिर है वो थोड़ा सा दूर है, सामने ही इसी रास्ते पे, हमें मंदिर तक नहीं जाना है। और मंदिर के पीछे ही बीच है, तो यहाँ इसके पीछे जो आप ये बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये दुकानें देख रहे हैं, इसके पीछे ही बीच है, तो यहाँ पर हमें चलना। आइए मैं किसी से मिलवा देता हूँ और मेरा रूम भी दिखा देता हूँ, बने रहें पूरे वीडियो में। और ये रिसेप्शन पे हम आ गए हैं, आप देखिए ये रिसेप्शन का व्यू है। इधर देखें ये कुछ तमिल में लिखा हुआ है, यदि आप तमिल समझते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मेरे को नहीं आता है। और ये आपका यहाँ स्वागत है। और ये ऐसा यहाँ का रिसेप्शन है, आप देखें ज़्यादातर तमिल भाषा में कोड कुछ लिखे हुए हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये टूरिस्ट के जो पॉइंट हैं वहाँ पर ये दिखाए गए हैं कन्याकुमारी के, आप देख लें इसको। और उसके बाद ये नीचे लोकल टाइमिंग
व्यू पॉइंट और इन सब का जो भी है, कितना दूरी है, क्या क्या है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये रिसेप्शन है और इधर हम घूम के देखेंगे तो ये ऊपर जाने का सीढ़ियाँ हैं, और इधर से देखेंगे तो इधर भी रूम्स हैं, तो इधर देखेंगे तो ये गैलरी है पूरी। काफ़ी बड़ा ये होटल है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। तो यहाँ ये भाई साहब बैठे हैं, बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जय कुमार। जय कुमार जी, ओके, ग्रेट। यहाँ कितने रूम आपने बताए? इधर से 24 रूम्स। 24 रूम है और हॉल भी कुछ बताया आपने? हॉल दो हॉल है। दो हॉल है, दो सिंगल बेड। दो सिंगल बेड भी है, सिंगल आदमी के लिए? हाँ, सिंगल आदमी के। ओके ओके। दो थ्री बेड है। दो थ्री बेड भी है। हॉल का दो, बाकी सब टू बेड। डबल बेड, सॉरी डबल बाथरूम है हॉल में। ओके, हॉल में कितना आदमी रुक सकता है? 10-15 आदमी। क्या 10-15 आदमी तक रुक सकता है? और उसका किराया कितना? 1000 रुपया। 1000 में आपको पूरा हॉल मिल सकता है और उसमें 4 डबल बेड लगे हुए हैं और 10-15 लोग रुक सकते हैं। 2 बाथरूम भी है। और डबल बेडरूम जो है, डबल बेड का जो रूम है उसका कितना है? डबल बेड 19। उसका रेंट कितना, किराया कितना? 500 रुपया मिनिमम। 500 रुपया उसका रूम है, डबल बेड का। अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम है। ऊपर में सनराइज व्यू है। ऊपर सनराइज व्यू भी है। जैसे मेन सनराइज स्ट्रीट है, स्वामी मंदिर का बाद में है। हाँ, मंदिर के पास में ही है, बिल्कुल ही मंदिर। बोटिंग नियरेस्ट है। बोटिंग के भी नियरेस्ट है, जो आप बोट में बैठ के जाते हैं 50 रुपया दे करके, स्वामी जो विवेकानंद। बिल्कुल, यानी मेन पॉइंट पे है, मेन जगह पे है। और सिंगल रूम का और बताएं हमें कितना है? सिंगल बेड 250 मिनिमम। 250 तक आप दे देते हैं। 24 घंटे के लिए 300। 24 घंटे के लिए 300 है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए कोई रुके तो उसको 250 मेरा फ्री का जिसका 250 में आप दे देते हो। ओके, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो 300 रुपये वैसे आपको रूम मिल जाता है, 250 में यदि आप 24 घंटे से कम रुकना चाहते हैं तो 250 में भी आपको मिल जाता है। ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू। तो मैं आपको मेरा रूम भी दिखा देता हूँ, आइए। और अभी मैं आपको डबल बेड का एक रूम दिखा देता हूँ। ये डबल बेड है और इधर देखिए ये चेयर लगा हुआ है। ये आपका लिए विंडो है, पर्दा लगा हुआ है, फैन है, एसी है। ये पूरा हिसाब किताब। और इधर आप देखेंगे तो वॉश बेसिन और ये शीशा, टीवी, हर चीज़। और ये अटैच बाथ है, ये आप देखें। लेकिन यहाँ ये देखिए, ये पूरा यहाँ का टेबल भी है, कुर्सी भी है। ये पूरा डबल बेड का व्यू है। मैं मेरा रूम सिंगल बेड भी दिखा देता हूँ। नंबर 9 ये मेरा रूम है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है चारों तरफ। खिड़की आप देखें, खिड़की है। ये आपको चार्जिंग के पॉइंट मिल जाते हैं। लाइट है, दो दो लाइट लगी हुई है। पंखा है, बेड है, सिंगल बेड है, एक कुर्सी है, एक टेबल है। और इस तरह से ये वॉश बेसिन इधर है और ये अटैच बाथरूम है। इस तरह से ये पूरा छोटा रूम हमें मिल जाता है, जो 250 रुपये में हम ये रूम ले सकते हैं। सीजन के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और इस तरह से ये पूरा आपने वीडियो देखा। होटल बिल्कुल मेन लोकेशन के ऊपर है और बहुत ही सही रेट में हमें ये होटल मिलता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।